दोस्तों, तो आज हम टेडालाफिल टैबलेट का रिव्यू करने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये टैबलेट महिलाओं के लिए होती है या नहीं, इसका कोई नुकसान तो नहीं होता, ये फिर खिलाने का सही तरीका क्या है। तो आज हम इसी को डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर यदि आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये PDE5 इनहिबिटर्स दवा है जो रक्त वाहिनियों को चौड़ा करके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का काम करती है। ये टैबलेट आपको 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम एंड 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। टेडालाफिल का केमिकल नेम है। यदि इसके ब्रांड नेम की बात किया है तो मिसमी टैबलेट, सुपरमैन पोस्ट टैबलेट, प्रोडक्ट टैबलेट या फिर मेगालिस नाम से ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, या फिर इसका जो जेनरिक नेम है टेडालाफिल, इस नाम से भी आपको ये मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, ये टैबलेट पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल महिलाओं के लिए भी होता है। यदि महिलाओं की सेक्स डिजायर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उनका शारीरिक संबंध बनाने का मन नहीं करता, तो यदि ऐसी महिलाओं को आप इस टैबलेट का सेवन कराते हैं तो उनकी सेक्स करने की जो उत्तेजना है बहुत तेजी से बढ़ जाती है, यानी कि उनका शारीरिक संबंध बनाने का मन करने लगता है। लेकिन ज्यादातर इस टैबलेट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसे पुरुष जिनका शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उनके प्राइवेट पार्ट में बिल्कुल भी कड़कपन नहीं आता, तब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टैबलेट महिला और पुरुष दोनों के लिए ही इस्तेमाल में ली जाती है। अब बात कर लेते हैं इसको खिलाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने के एक घंटा पहले आपको ये गोली लेनी होती है, या फिर आप अपने पार्टनर को खिला रहे हैं तो एक घंटा पहले आपको ये गोली खिलानी है, और खाना खाने के लगभग 2 घंटे के बाद में, यानी कि जब खाना सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाए तब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कराते हैं, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। तो आपको इसके कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं, जैसे कमर में दर्द या फिर सर में दर्द, ये तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं, ये तो आपको होंगे ही होंगे। या फिर उल्टी हो सकती है आपको, नौजिया की शिकायत हो सकती है, या फिर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, पैरों में आपके झंझनाहट टाइप की भी हो सकती है। यदि आपको लीवर से रिलेटेड या फिर किडनी से रिलेटेड कोई सेवियर प्रॉब्लम है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि आपका बीपी बढ़ता है तो भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। ये साइड इफेक्ट महिला और पुरुष दोनों के लिए सेम भी हो सकते हैं। ये एक टैबलेट आपको लगभग 30 से 40 रुपए की किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो ये था टेडालाफिल टैबलेट का फुल रिव्यू। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे इसी तरीके की अच्छी सी वीडियो के साथ। जय हिंद।